नमस्कार दोस्तों, अगर आप हेमा मालिनी जी की मंकी बात से बोर हो चुके हैं तो आज चलिए बात करते हैं एक एक्चुअल इशू की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब वो मास्टर स्ट्रोक जो 2017 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली। एन अमेंडमेंट इज बीइंग प्रपोज्ड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट टू इनेबल द इश्यूएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स in accordance with a scheme that the government of India would frame in this regard. As per the BJP government, electoral bonds would ensure complete anonymity to the donors. Except, they kind of forgot to tell the world about an alphanumeric code on all electoral bonds, which stored information about the donors for SBI's records. Par ho sakta hai bhool gaye ho, except they kind of lied about it when a story in the Quint talked about the same alphanumeric code. पर गवर्नमेंट ने गलती मानने की बजाय रिपोर्ट को ही गलत बता दिया। लाइन नंबर टू तो और भी कमाल है। विंटर सेशन 2018 में राज्यसभा मेंबर मोहम्मद नदीमुल हक जी ने सरकार से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कोई दिक्कत है। दूसरी तरफ से इतना ही सिंपल जवाब मिला, जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट ECI was completely opposed to the electoral bond schemes. सोचिए, जब बीजेपी अपने ईसी वाले दोस्तों के साथ ऐसा सुलूक कर सकती है तो देश की जनता के लिए तो वाह मोदी जी वाह। लाइन नंबर थ्री, एंड दिस इज माई फेवरेट सो फार। जब सरकार से पूछा गया कि भाई इस स्कीम की जरूरत ही क्या है, तो मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन की तरह एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और डोनर रिक्वेस्ट की रट लगा के बैठ गए। एक्सेप्ट जस्ट लाइक द फर्स्ट टू, तीसरा भी खोखला निकला। RTI की मदद से ये पता चला कि जेटली जी का बयान दैट डोनर्स हैड एक्सप्रेस रिलक्टेंस इन डोनेटिंग बाय चेक्स और अदर ट्रांसपेरेंट मेथड्स फॉर फियर ऑफ रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी वाज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन। एज पर द RTI, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एनी सच पिटिशन और कम्युनिकेशन बाय द पब्लिक एट लार्ज रिगार्डिंग पॉलिटिकल डोनेशंस। मतलब सरकार ने पुलाव तो बहुत टेस्टी बनाया पर अनफॉर्चुनेटली ख्याली पुलाव निकला। सो विच इज योर फेवरेट लाई बाय द मोदी गवर्नमेंट, कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। बीजेपी गवर्नमेंट की अगली लाई तक गुड बाय, विच मींस हम काफी जल्दी मिलेंगे।